क्या बोल रहे थे आप, आपकी सारी स्कीमें आज बता दूं। वो कहाँ है, एक मिनट बता दो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। अभी हो रहे हैं 6 बजने वाले हैं लगभग, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट में क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम है बेसिकली। तो मुझे मेरे मोबाइल के जो स्पीकर में आवाज़ थोड़ी ढंग से नहीं आ रही है, तो वो ठीक करवाने हैं। और क्या काम था मैं तो भूल गई। और हाँ, आईब्रो बनवानी है। कल कहीं किसी प्रोग्राम में जाना, शादी में जाना, किसी प्रोग्राम में जाना है, तो आईब्रो वगैरह बनवाते हैं, खुशबू को लेकर चलते हैं। और एक और काम है, मेरे इस वाले कान में पियर्सिंग हो रखी है, इस वाले बंद हो गया वो, तो मेरे को यहाँ पर पियर्सिंग करानी है। पर इस काम के लिए तो खुशबू ने जो मुँह बनाया था बिल्कुल थर्ड क्लास वाला। पर कोई नहीं, मार्केट पहुँचे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर ही लेंगे और खुशबू को मना ही लेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, और काजू खुशबू के पास है नीचे, मम्मी भी वहीं पे ही है। तो चलो चलते हैं जल्दी से और मिलते हैं उनसे भी। तो चलो चलते हैं नीचे जल्दी से। ये खुशबू तो भैया अभी तो कोई मूड ही नहीं चलने का, और ये नानी अभी भी यहीं बैठी हुई है। नानी का फेवरेट नानी का फेवरेट काम है यहाँ पे सब्जी छीलना। कितना टाइम हो गया मैं, और ये खुशबू तैयार हुई है अभी तक। चलो इसको मैं पकड़ती हूँ, जल्दी तैयार हो जा। वो अभी पता नहीं कौन सी बात हो चुका ये मम्मी फिर मुझे डांट रही थी, फिर वापस है ना, फिर ऐसे लग गए बाप रे मम्मी का ना, इतनी खतरनाक हो चुकी है मम्मी। जैसे मैं मोबाइल स्टार्ट करती हूँ मम्मी हंसने लग जाती है। काजू दिखाते शक्ल खतरनाक है। ओ भैया, ओ भैया, ओ हेलो। काजू को पहले कुछ दिला के लाते, टॉफी वगैरह। तो पहुंच गए, कुछ लेते हैं। काजू क्या लेना है? काजू देखो अंदर ही पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है। बेटो आप भी शॉपकीपिंग कर रहे हो क्या? ले, ये ले। आजा। बस या खाना है। चलो तो काजू ने ये ले लिया। चलो आ जाओ। ऐसा सड़ा हो रखा था अभी ऐसे जैसे भैया ब्लॉगिंग की चीजें बहुत तगड़ी है। जैसे ही मैं ना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ इतना बेकार मुंह बना रखा था, मतलब तो कोई जाने तो ना, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ में, उसका मुंह बना के चल रही थी बिल्कुल ही। और अभी देखो हंसना स्टार्ट करा दो। ऐसी मम्मी की तरह अगर कोई कोई मूड खराब हो ना तो आप मोबाइल स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक सामने वाला सही मूड हो जाता है। मोबाइल स्टार्ट। हाँ तो काफी टाइम में ना मोबाइल स्टार्ट नहीं करती मम्मी, क्या क्यों मम्मी ऑटोमेटिक कैसे लग जाती है। तो पार्लर तो आ गया, चलते जल्दी से। ओ भैया हीरोइन वाली मासी दिख गई यहाँ तो। मैंने उसको बोला मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ये अच्छा 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 करा, तू कुछ बोला नहीं इसने। अच्छा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, काजू देखो यहाँ मस्ती कर रहा है। काजू मजा आ रहा है क्या लड्डू? हाँ अच्छा लग रहा है, छोटी खुल गई मम्मा की। यहाँ पे मेरी आईब्रो बना रहे थे तो काजू चिढ़ने लग गया। थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प करते हैं खाना वाना बनाने में, उसके बाद चलते हैं। और काजू क्या हुआ आपको, क्या हुआ बेटू? काजू को पता नहीं क्या हुआ, क्यों हो गया? आरती दी का बहुत बार फोन आ गया है, तो चलते हैं जल्दी से केक उठाते हैं और निकलते हैं। और तो काजू तो मम्मा के साथ बैठ गया है, मासी आ रही है। काजू बाय बाय करो, चलाओ गाड़ी कैसे चलाते, चलाओ। तो काजू अब गाड़ी चलाएगा, मासी का वेट कर रहे हैं। मासी जल्दी से आ जाए तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो खुशबू तो आ गई, मिल गया मिल गया मिल गया। चलो खुशबू का मोबाइल घूम गया था, खुशबू का मोबाइल घूम गया था तो मिल गया। अभी केक की शॉप पर तो पहुंच गया, खुशबू केक लेने गई है, मैं तो भूल ही गई थी केक भी उठाना है अभी तो। और काजू बेचारा नींद में ही है अभी तक, क्या करूं। पर केक तो ले आई है, अब जल्दी चलते हैं। लेट हो रहे, तो ज्यादा लेट हो रहे हैं, पता नहीं कौन से रास्ते में खुशबू ने घुसा दिया है। तो
यहाँ रास्ता ही बंद है, अब फिर कहीं ब्रेक लेना पड़ेगा या फिर यहीं से देखते कैसे कैसे। तो घर तो पहुंच गए, अब डिसाइड कर रहे हैं कि अंदर जाएं या दीदी को बाहर बुला ले, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब इतने परेशान हो गए हम, मतलब काफी टाइम बाद आए ना यहाँ पे, तो हमको रास्ते याद नहीं है। तो रास्ते में दो बार कितने बार कंफ्यूज हुए अंकल पापा? दो तीन बार हो गए। इतनी बार कंफ्यूज हुए भैया, दो बार तुमने ब्रेक ही ले लिया, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। तो चलो अब चलते हैं जल्दी से। और काजू ने पहुंच तो गए, काजू ने इतना परेशान किया था कि हम गिफ्ट भी लेके नहीं आ पाए। और चलते हैं जल्दी से, यहाँ पहले भी आ चुके हैं, याद है आपको पापा मम्मी के एनिवर्सरी के टाइम पे आए थे यहाँ पे, ये वही रेस्टोरेंट है। और ये नानू, नानू मस्ती की थी। काजू देखो अब भी तक नाराज है। काजू मैं तो बोलते बेटे हो क्यों के बेटे होश में आ जाए, देख रहा हूं। अच्छा पूरा ध्यान काजू केक की तरफ है, पूरा हो गए भैया। केक नहीं आए क्या? क्या ये दिए ना कल? क्या कौन सी कैंडल है मुझे तो नहीं पता। अंदर किस कौन से भैया, कितने बूढ़े हो आप ये तो बता दो। 50 साल के। इसमें कोई झूठ नहीं चलेगा, आप दोनों वीआईपी का एंट्री नहीं होता। सुपर हीरो यू इन द ओनली वन। काजू केक को इतना तेज वेट कर रहा था, इतना तेज वेट कर रहा था। अब देखो, अरे वाह भैया, अरे वाह भैया। काजू क्या कर रहा है बेटू, क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? किया कि केक और कहे मुंह पे दे रहे। काजू को देख लो, काजू के लिए मेरे को ये चलाना पड़ रहा है, फिर भी काजू खाना नहीं खा रहा। क्यों मार रहा है पता नहीं, काजू क्यों मार रहे बेटा? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? काजू को क्या मिला स्माइली? अपन चलेंगे घर पे। अबे ना यहाँ से उठो। अरे तो पति की तारीफ तो कर दो। अरे भैया क्या बोल रहे थे कि ना अबे चुपचाप से उठो, चुपचाप से निकल जाओ यहाँ से बिना बिल पे करे। इसे कहते हैं कि कंजूसी का लेवल अपरम पार जाना। और आप डिसाइड कर लो, आप सब आप डिसाइड कर लो कौन कौन बाजेगा। आजा आजा पता पता आजा पता पता आजा 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 आजा। अरे भैया ये फिर मस्ती मोड हुए। क्या बोल रहे थे आप? आपकी सारी स्कीम मैं आज बता दूं। वो कहां है मैं बता दो। काजू मम्मा खिला दो, मम्मा खिला दो, खिला दो। अरे वाह कितना अच्छा। मासी को, मासी को भी, मासी भी वाह। अरे वाह भैया दोनों डांस कर रहे हैं। खा लिया है और बिल भी
ना ना करते करते भैया ने पे कर ही दिया है, नहीं तो भैया पूरे मूड में थे बर्तन मचवाने के, पर फाइनली भैया ने बिल पे कर दिया है। अब चलते हैं यहाँ से, नहीं तो भैया तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, भैया तो ना लास्ट तक जबरदस्ती बिल पे करना पड़ा, भैया तो लास्ट तक बोल रहे थे मेरा ये कि मैंने अपने साथ तीन चार लड़के हैं तो कोई ना कोई तो बर्तन पा ले, भैया लास्ट तक ही बोल रहे थे वो जगह दिखा दो जहाँ पर तो मस्त है। यहाँ पे सारे फोटो के लिए तैयार हो गए, पता नहीं है फोटो लेगा कौन। फाइनली ये दिया है, दी की जगह तो कुछ भी और आ गई बीच में, कुछ भी इतनी मोटी पर तो अरे यार मेरी ये जगह मत करवाओ, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल, बड़ा दिखना तो जो सच्चाई है कोई सच्चाई नहीं मैं तू तो घर आ गए हैं और अब निकलते हैं। दीदी को रिटर्न गिफ्ट लाया, ओ भगवान मेरे मम्मी को ना चने इतने पसंद है तो दीदी रिटर्न गिफ्ट भी लाए, हे भगवान दीदी मम्मी तो खुशी के मारे पागल होने वाली है, चने का गिफ्ट खाना कर बाय बोलो काजू बाय बोलो बाय बोलो तो उधर मामा से कह रहा है, अच्छा मामा को बोल रहा है उधर बेटा उसको बताइए बाय चलो मजा आ गया। तो घर तो आ गया, चलते हैं जल्दी से। और ये नानी के लिए गिफ्ट